अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, में डॉक्टर अज़र हुसैन असलमी माजिद होम्योपैथिक क्लिनिक दीना से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल असलमी होम्योपैथिक वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एनल फिस्टुला, एनल फिशर एंड पाइल्स में जो डिफरेंट है वो आपकी खिदमत में पेश किया था, और आज उसी का पार्ट टू है जिसमें हम इन तीनों का ट्रीटमेंट जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसमें एक मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है जिसमें पाइल्स का ट्रीटमेंट है, अगर वो देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जा के असलमिया होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप उसको देख और सुन सकते हैं। दूसरा जो है वो एनल फिशर है। एनल फिशर में जो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं उसमें कार्सिनोसम 1 mg की एक खुराक हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाएं, कंड्रेंगो क्याऊ, पेयोनिया क्याऊ एंड हाइड्रास्टस क्याऊ, इन तीनों ड्रॉप्स को क्याऊ फॉर्म में लेके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, या तीनों को इक्विवेलेंट मिक्स कर लें और 30 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से फिशर जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके साथ कैलेंडुला क्याऊ और एक्निशिया क्याऊ को एक्सटर्नल यूज़ के लिए थोड़े से पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। व्यूवर्स, ये था एनल फिशर का ट्रीटमेंट। अब है एनल फेस्टुला। एनल फेस्टुला में जो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करवाते हैं वो ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक खुराक से केस को शुरू करें और हफ्ते में एक दफ़ा 3 से 4 डोजेज दें। वंस अ वीक ट्यूबरकुलिनम 1 mg इस्तेमाल करें। उसके साथ बर्बरस वल्गैरस क्याऊ, पेयोनिया फिशनेलस क्याऊ एंड कंड्रेंगो क्याऊ, तीनों को क्याऊ फॉर्म में लेके 10-10 कतरे या इक्विवेलेंट मिक्स करके 30 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, गन पाउडर 3x एक गोली सुबह एक दोपहर एक शाम, और मर्क साल्ट 200 में अल्टरनेट डेज पे इस्तेमाल करें। एक दिन छोड़ के मर्क साल्ट 200 की एक खुराक लें। ये ट्रीटमेंट 3 से 4 हफ्ते अकॉर्डिंग टू कंडीशन जारी रखें, और एक्सटर्नल यूज के लिए वही कैलेंडुला और एक्निशिया को इस्तेमाल करें। कैलेंडुला क्याऊ एंड एक्निशिया क्याऊ को थोड़े से पानी में मिक्स करके एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करें, और अल्लाह के फजल और करम से हमेशा के लिए एनल फिस्टुला एंड एनल फिशर से छुटकारा पाएं। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।